आए हो, महिला आए हो, इन दो बच्चों के साथ कुर्ता वर्दी दुष्कर्म किया गया, उसको लेकर पुलिस के साथ क्या बातचीत हुई आपकी? राज्य महिला आयोग को जब इसके बारे में इन्फॉर्मेशन तो दर्ज किया था और जरे उसका जो गुनहगार है उसके ऊपर गुना दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर दिया। राज्य के गृह मंत्री ने देखिए आदेश दिया और SIT गठित करके ये सभी का तपास ट्रांसपेरेंट में होना चाहिए और तुरंत होना चाहिए, इसलिए फास्ट ट्रैक पे कार्रवाई चल रही है। दूसरे शिक्षा मंत्री ने जिस कंत्राटदार ने इस तरह के कर्मचारी स्कूल में पहुंचाए और संस्था चालक भी हो और समिति भी हो उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की सूचना दी। अभी यहाँ के DCP SIT और स्टेशन में जितने भी ऑफिसर है सबके साथ बातचीत हुई, FIR तो दर्ज हुई है और लड़की की तबीयत भी ठीक है और दूसरी जगह कस्टडी जो आरोपी को गिरफ्तार किया गया उसकी कस्टडी आज तक की वो बढ़ा के 26 तारीख को करनी है। विपक्ष का काम होता है और इस्तेमाल करके समाज में स्टेट निर्माण करना। मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद आयोग की अध्यक्ष दो बार सत्ता के साथ, दो एक बार विपक्ष के साथ, अनिल जी देशमुख साहब जब होम मिनिस्टर थे तो उनके पास मैंने खुद महाराष्ट्र में कितनी मिसिंग केसेस है उसकी फाइल खुद जाके देखी। तो इन 4 सालों में सबसे ज्यादा मिसिंग केसेस, सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस अनिल देशमुख साहब के इस पीरियड में थे। तो मुझे ऐसा लगता है खुद एक बार इस विपक्ष के लोगों ने खुद के ऊपर एक जांच करके देखनी चाहिए कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं। ये राजनीति करने की जगह नहीं है, राजनीति करने की ऐसी घटना भी नहीं है। इलेक्शन के समय तो हम राजनीति में जाएंगे लेकिन अभी केवल महाराष्ट्र शांत है तो महाराष्ट्र को शांत ही रहने दीजिए। महाराष्ट्र में कुछ ऐसा उद्रेक होना और ऐसी कुछ तरह से भाषा इस्तेमाल करना ये हमारी महाराष्ट्र की पहचान नहीं। मैडम बल्लभपुर वासियों को क्या कुछ मैसेज देगा आपके माध्यम से? क्योंकि नेट सर्विस भी यहाँ पे बंद कर दी है। आपको तो हमेशा मालूम होता है, कल का भी आपने देखा होगा तो मुझे तो ताजुब हो इस बात के लिए क्योंकि कल के इस आंदोलन में मुझे अभी पुलिस ने देखिए बताया, पुलिस ने व्यक्ति की जो इसमें जो स्टूडेंट और उसके पेरेंट लोग थे वो कम थे, बाहर से आए हुए लोग बहुत ज्यादा थे और उसके हाथ में बोर, उनका जो लाडली बहन जब से शुरू हुई है तब से इस बात के लिए अपोज करना और ये इस घटना के लिए नहीं आए थे। सरकार ने जो लाडली बहन चलाई है और वो बहुत महिलाओं तक पहुंची है, महिलाएं उसे पसंद करने लगी है, विरोध करने के लिए वो आए थे। इसीलिए एक घटना मुझे ऐसे लगता है कि उरण के बारे में मैं खुद वहाँ गई थी, हमारे आयोग की तरफ से हमने फास्ट ट्रैक की और उसके बाद उसका पाठपुरा भी हम कर रहे हैं। उरण होगा, कोपर फेरने होगा, नावा सेवा होगा और वैसे ही भी इन चारों घटनाओं में विपक्ष के कोई लोग आए नहीं, खाली उनका एक ट्वीट भी नहीं मुझे दिखाई दिया, ना उसके बारे में कोई बातचीत हुई, ना उसके बारे में स्ट्राइक हुआ, ना आंदोलन हुआ, निषेध हुआ। और आज के इस बदलापुर में इस तरह से ऐसी बदनामी महाराष्ट्र की जा रही है। मैडम वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम को लेकर अनेक सवाल उपस्थित हुए कि भाजपा द्वारा उनको टिकट क्या दे दिया गया था, अब वो किस तरीके से लड़ेंगे? मैं यही आपको बार बार कहती हूँ और हमें तो यहाँ न्याय देने की बात करनी चाहिए, तुरंत न्याय मिलना चाहिए। हर बार हम उज्ज्वल जी निकम की मांग करते रहे के पहले नहीं हमें उज्ज्वल तुरंत न्याय दे सके, इस बार ऐसा क्यों हो रहा है? ये मेरे मन में हमेशा कंफ्यूजन हो रहा है। सभी लोगों की भाषा देखिए एक जैसी स्क्रिप्ट हर किसी की है और इसलिए मैंने पुलिस को भी सिफारिश की है कि इनके सोशल मीडिया जरिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिए क्योंकि इनके सोशल मीडिया के जो राज्य प्रमुख है वो महाराष्ट्र बंद होना चाहिए, स्ट्राइक होना चाहिए, आंदोलन होना चाहिए, निषेध होना चाहिए, लाडली बहन के अपोज जाना चाहिए, ऐसी भाषा इनकी है। तो ये भाषा उनकी उरण, कोपर खैरने और वसई में क्यों नहीं थी? पश्चिम बंगाल में भी ऐसा ही हादसा हुआ, उस टाइम मेडिकल एसोसिएशन ने पूरे देश में बंद किया, पूरे देश ने उन्हें सपोर्ट किया लेकिन महिला प्रतिनिधि है जो आज उनके जरिए महाराष्ट्र में
आंदोलन लिया जा रहा है पश्चिम बंगाल के बारे में, वो बोलती है कि ऐसे हादसे तो होते रहते हैं, और महाराष्ट्र में ऐसे बोलती है कि नहीं नहीं ये महाराष्ट्र राजीनामा चाहिए, महाराष्ट्र बंद करना चाहिए। ये भड़कावे जैसे भाषा क्यों इस्तेमाल की जा रही है बार बार? मैडम, पुलिस ने काफी देर लगाई थी तैयार को लेने, इसके लिए ये आंदोलन हुआ, और आंदोलन में जो मांग थी उसको सही तरीके से पूरी नहीं की जा रही थी, और पुलिस ने जो लाठी चलाई ये भी सही था। ये तो गलत बात है कि पुलिस ने केस दर्ज करना चाहिए था, जल्दी करनी चाहिए थी, इसके लिए बहुत देर लगा है, इसीलिए पुलिस के ऊपर कार्रवाई करके उन्हें डिसमिस किया। दूसरी बात कि इसमें एक केस फास्ट ट्रैक में चलनी चाहिए, इसीलिए एचएम साहब ने देखिए तुरंत एसआईटी गठित की है। तीसरी बात, सरकारी वकील ने कहा 10 दिन में चार्जशीट सबमिट करूंगा, हम सब इसके लिए फॉलोअप ले रहे हैं, और हमें भी इंतजार है तुरंत आरोपी है उसे उसके ऊपर कार्रवाई की जाए और फांसी की शिक्षा के लिए।